हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सत्ता का रास्ता दिखाने वाले सूबे के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के रहन से हमी पहली चुनावी रैली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह रहे। उन्होंने स्थानीय मुद्दों सहित पूर्व सैनिक, महिला और युवा वोट बैंक को साधने की कोशिश की। पीएम ने पांच दानवों के मंत्र से चुनावी शंखनाद किया। मोदी ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस सहित ड्रग्स अवनखनन टेंडर ट्रांसफर माफिया पर वीरभद्र सिंह को घेरा। मोदी ने कांगड़ा जिला के स्वतंत्रता सेनानी वजीर राम सिंह पठानिया और हिमाचल के शहीदों का बार बार जिक्र किया। हमी कोख से वीर सपूत पैदा करने और ड्रग्स माफिया की जकड़ और बच्चों का भविष्य बर्बाद होने की बात कर मोदी ने महिला वोट बैंक पर भावनात्मक अस्त्र छोड़ा। इन भावनाओं का वास्ता देकर मोदी ने महिलाओं से पुरुषों के मुकाबले 5% अधिक मतदान करने का आह्वान किया। पंजाब सीमा से सटे इलाके और रैली के दौरान मोदी ने ड्रग्स माफिया का राग छेड़कर युवाओं को लुभाने की कोशिश की। गुड़िया केस पर भी मोदी ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को घेरा। पीएम ने पांच दानवों के मंत्र से चुनावी शंखनाद किया। मोदी ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस सहित ड्रग्स अवनखनन टेंडर ट्रांसफर माफिया पर वीरभद्र सिंह को घेरा। मोदी ने कांगड़ा जिला के स्वतंत्रता सेनानी वजीर राम सिंह पठानिया और हिमाचल के शहीदों का बार बार जिक्र किया। हमी कोख से वीर सपूत पैदा करने और ड्रग्स माफिया की जकड़ और बच्चों का भविष्य बर्बाद होने की बात कर मोदी ने महिला वोट बैंक पर भावनात्मक अस्त्र छोड़ा। इन भावनाओं का वास्ता देकर मोदी ने महिलाओं से पुरुषों के मुकाबले 5% अधिक मतदान करने का आह्वान किया। पंजाब सीमा से सटे इलाके और रैली के दौरान मोदी ने ड्रग्स माफिया का राग छेड़कर युवाओं को लुभाने की कोशिश की। गुड़िया केस पर भी मोदी ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को घेरा। पूरे चुनाव और सियासत की धुरी बने रहे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जिस समय मोदी की हिमाचल और पहली चुनावी रैली और नहीं दिखे तो चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। भाषण और मोदी ने सीएम पद के उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल और कांगड़ा और भाजपा के पुरोधा शांता कुमार की तारीफों के पुल बांधकर राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश की। नाराज नेताओं को साधा। मोदी ने भाषण से पहले ही टिकट आवंटन के दौरान नाराज चल रहे नेताओं को साधने की कोशिश की। मोदी ने मंच से संजय गुलेरिया, रणवीर सिंह नेका, निर्मल प्रसाद, मनोहर धीमान का नाम लेकर बगावत को बेअसर करने की कोशिश की। पहली रैली और चंबा कांगड़ा को लुभाया। मोदी ने रहन रैली और मंच पर चंबा जिले के डलहौजी, चुराह, चंबा और कांगड़ा के चार विस क्षेत्रों जवाली, फतेहपुर, इंदौरा, नूरपुर के भाजपा प्रत्याशियों को एक मंच पर लाकर उन सबके लिए जनता से समर्थन मांगा। मोदी ने एक रैली और हिमाचल के प्रवेश द्वार से सटे 7 विधानसभा क्षेत्रों के वोटरों को लुभाने की कोशिश की। कांगड़ा और रहन के बाद पीएम मोदी ने सिरमौर जिले के थोलाकुआ मैदान और देवले पर अलर्ट कार्ड खेला। करीब 49 मिनट के भाषण और पीएम मोदी ने हर वर्ग को रिझाने की कोशिश की। IIM से शुरू किए हमें भाषण और पीएम ने हिमाचल और पर्यटन, औद्योगिक, कृषि को आधार बनाकर विकास की नई नींव रखने का भरोसा दिलाया। बच्चों की पढ़ाई, युवाओं की कुछाई और बुजुर्गों की दवाई का जिक्र कर मोदी ने शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोगों की दुखती रग पर हाथ रखा। हिमाचल को वीर भूमि की संज्ञा देकर सैनिकों का सम्मान किया। मोदी ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो कांग्रेस के तमाम नेताओं पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला भी कहा। 2 दिन पहले भाजपा के देशीय अध्यक्ष ने सिरमौर से धूमल को मुख्यमंत्री को चेहरा घोषित किया था। इसी जिले की धरा पर धूमल की बतौर सीएम ब्रांडिंग करने से पीएम पीछे नहीं हटे। उन्होंने धूमल की तारीफों के पुल बांधे, कहा कि शांता की पहचान पानी वाले सीएम के रूप और हुई। धूमल ने हिमाचल को पर्यटन के रूप और खींचा। शिक्षा के स्वर्णिम विकास के लिए भी धूमल सरकार जानी गई है। हिमाचल पूरे भारत का सबसे बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। सीएम वीरभद्र पर तंज कसते हुए पीएम ने लोगों से नारे लगवाए कि वीरभद्र की पहचान किस चीज के लिए हुई। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए।
हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।